योर होस्ट रिसीव बंगाल, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। भाई कैसे हो आप सब लोग? मैं बस जिंदा दिल हूँ बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई मैं, और खुशी रहना चाहिए यार। ये हमारी जान थोरी बाबा, थोर भाई साहब। हाँ हाँ ठीक है तू? मेरी जान, मेरी बेटी है तू यार, मेरी बेटी। आज के व्लॉग में आप लोग सबसे पहले तो ना वो देखो, पापा ने ना अपने दोनों गोल्डन रिट्रीवर्स को नहलाया था, तो एक बार सबसे पहले वो देखो। ये देखो दोस्तों, दोनों को ही साथ में ला रहा हूँ, लेकिन आज अकेला हूँ। थोड़ी देर में तब तक मैं सोच रहा हूँ कि इनको बांदरों को नहला दूँ। एक बार नहला के मैंने इनको अंदर कर दिया है। अंदर इसलिए कर दिया है कि ये अभी गिल्ले हैं ना, तो गंदे ना हो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं अपने, ये अभी खाना खा रहे हैं। दोनों को अलग अलग डाल के दिए और खा रहे दोनों, और खड़े ऐसे हो रहे जैसे, मतलब एटीट्यूड देखो इनका किस हिसाब से खड़े हैं। प्रॉपर पैर वगैरह बढ़िया। ओए चलो इनको खाने देते हैं। मस्त है ना यार, गोलू मोलू। और एक बार तो बताई सिचुएशन में क्या हुआ, पापा नहला रहे थे और पापा शायद किसी ने गेट बजाया होगा फार्म का, तो पापा बाहर गए और मेंढक से पार्क में भाग रहे हैं। उस टाइम फिर वो व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि पापा अकेले थे, तो पता भाग रहे, पापा पीछे पीछे आ रहे चलो चलो तो वो भाग गए थे। सो अब क्या है भाई, आपने टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। सो क्या हम लैब्रा भी रखें? लैब्राडोर रिट्रीवर बहुत लोगों की पसंदीदा ब्रीड है। सो मैंने एक बार रखा था, और वो भी मतलब परमानेंट नहीं रखा था। किसी का वो लैब्रा ना भाग के आ गया था घर से, और गली में था और उसको स्ट्रीट डॉग्स काट रहे थे। सो मैंने उसको अपने घर के अंदर कर लिया था, और फिर वो हमारे साथ ही रहने लग गया था। और वो लैब्रा हमारे साथ कम से कम 2-3 महीने रहा, बट फिर एक ना ऐसे मिरेकल हुआ कि जो उसका मालिक था ना लैब्रा का, वो उसको पता चल गया कि वो डॉग यहाँ पे है। सो वो आया और हमें लगा नहीं भाई वो मालिक है, तो भाई हम कैसे दे देते ऐसे में, कोई भी आ जाए और कह दे कि भाई मेरा डॉग है। सो मैंने कहा कि ठीक है भाई आपका डॉग है, दिखाओ कैसे पहचान है। उसने बिना देखे जो उसकी चीजें थी ना, 2-3 निशानियां थी उसकी, वो बताई। और फिर हमने डॉग छोड़ा ना, तब तो डॉग गया नहीं उसके पास, बट जब डॉग को स्मेल आई होगी तो वो पागल हो गया उसे मिलने के लिए। फिर हमने उनको दे दिया क्योंकि पता चल गया भाई ये उनका ही ब्रीड डॉग है। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना एक लैब्रा रख के देखे। तो भाई शुभम देख ला बच्चे फिर कौन से लेने हैं, मतलब अभी भाई एक बार देखते हैं कि कैसे होते ब्रीड वगैरह, क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंस नहीं है लैब्रा के साथ इतना अच्छा नहीं, मतलब रखा ही नहीं तो कैसे एक्सपीरियंस होगा। हाँ तो बट बहुत सारे लोग रखते हैं, हम भी देखते हैं और भी ऐसे पूछेंगे भैया क्या खासियत है इसकी जो लोग इतना पसंद करते हैं भाई इस ब्रीड को, और देखते हैं भाई सारा सिस्टम। आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि हम लैब्राडोर रखें या ना रखें। बाकी मैंने गोल्डन रिट्रीवर इसलिए रखा था क्योंकि मुझे ना गोल्डन ज्यादा अच्छा लगता है लैब्रा से, बट देखते हैं आज क्या मूड बनता है क्या नहीं, है ना? देखने बाद क्या था यार, पहले तो स्वागत है, कई दिनों बाद चैनल पे आयो। नहीं कई दिनों बाद क्योंकि कोनी वाली वीडियो में आए थे भाई, आप बड़े आदमी हो रहे हो ना। ना भैया ऐसी बात नहीं है। और सुनाओ बढ़िया भैया, ये बताओ लैब्रा के बारे में इतना क्यों मतलब लोग पसंद करते हैं इनको भाई? सबसे मेन बात तो सबसे घरेलू में ना क्या हर पहली पसंद लैब्रा ही होती है, क्योंकि सबको पता है काटता नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ, क्योंकि उनको ये पता है कि हाँ भी ये ना फेथफुल है, नहीं काटता। हाँ, मतलब छोटे बच्चों के साथ ज्यादातर छोड़ हाँ, जाते हैं। हाँ, क्योंकि सबसे मेन बात एक्टिव बहुत होता है। हाँ, मतलब खेलने खिलौने की तरह ही होते हैं उनके साथ, बढ़िया ग्रोथ हो जाती है उनकी। आप कहते मैं तो कहा करूँ कह रहे भैया कोई घर में चोरी करना हो ना तो पहले लैब्रा उठा के ले जाता है, यो तो बिकेगा। तो फिर भैया तो दिखाओ फिर, मैं भी आज मूड साथ देखते हैं कि मतलब रखे वहां पे अपन लैब्रा वगैरह। लो भाई अच्छा ये बच्चे हैं भैया, जैसे ये जैसे मैंने वो सेटअप करा हुआ वैसे ही है आपका, बाकी मैंने आपका ही देख के करा था। हाँ बच्चो उठा दे कैसा है। आजो भैया आजो। कैसा लगा? मस्त सुंदर सुंदर। अब मोस्टली क्या देख, जो मोस्टली क्या करते हैं जितने भी सिर्फ हेड को करते हैं, कर बोन साइज और चीज नहीं देखते। हाँ कर हर चीज इसकी सुंदर बच्चा भी है और बोन भी अच्छी आ रही है।
रोटवाइलर जितनी हो बोन दे रहे हो ये हो गया आज 50 डेज की होगी। अच्छा 50 डेज की होगी। कैसा कैसे लग रहे हैं? नहीं कितना वेट होगा आइडिया? जिसको क्वालिटी पता है उसके लिए तो बताने जरूरत ही नहीं पड़ती। बात तो सही है। बाकी इसका एक सुंदर भी लग रहा है, मतलब मैच कर रही है सारी चीजें, जैसे बोन साइज है। हाँ मतलब हाँ। ऐसे नहीं है तो सिर ही ज्यादा बड़ा हुआ है हाँ। या पैर पतले से नहीं, सब चीज परफेक्ट है। इसको ले चले क्या लेजर का अपने पेट ले चलते हैं। एक मेंबर और ऐड कर लेते हैं। बाकी भाई किसी को लेना हो तो भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेंडोवेस्टी के नीचे ऊपर होगा या नीचे होगा लिखा होगा सुरवीर मनोज यादव सुरवीर कैनल से, तो वो नंबर है उनसे ही फोन करना इन बच्चों के लिए। ठीक है अच्छा ओजी का बच्चा है। बिहार ने रिसेंटली एक इंपोर्ट करवाया डॉग ओजी, ये उसका बच्चा है। ये अलग से दिखने लग रहा है कलर है ना भैया। आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने सेटअप बनाया हुआ था ना, वो मैंने भी आगे ही देखा था जो अपने वाले बच्चे बैठे हैं ना उसमें खेलने लग रहे हैं। ट्रे वाला सही है, इसमें सही रहते हैं। सो दोस्तों घर पे आ गया हूँ मैं और अपने बढ़िया फेवरेट छोले चावल बने हुए हैं, क्योंकि भाई आपकी फेवरेट मानो डोन आ रही है घर पे, तो उसकी खुशी के लिए मतलब उसमें कहा तो मम्मी ने बना दिया और पापा खाना खा रहे हैं और मम्मी के लिए आज मेरे स्कूल में पार्टी थी। पार्टी थी और मम्मी के लिए कॉम्प्लीमेंट आया है बच्चों ने दिया है। एक सेकंड पोज कर आप लोग पढ़ लेना, बाकी मम्मी अपने मुंह से बताएगी क्या लिखा हुआ है, बताओ। आपकी उम्र को देखे तो कम लगते हैं मगर पूरी असेंबली को संभाल लेते हो, काबिलियत है दूसरों को अच्छे से संभालने की, चेहरे पर हमेशा हल्की सी स्माइल रखते हो। थोरो पापा खाना खा रहे हैं, कैमरा तो ऑन हो गया मुझे पता है तेरे को करना कुछ ना कुछ, बट पापा को खाना खा नीचे बैठा। तो दोस्तों खाना खा लेता हूँ और शायद आज मैं मूवी देख के आऊंगा द कश्मीर फाइल्स। मैं बहुत ज्यादा मैं हर जगह उसके वो देख रहा हूँ रिव्यूज वगैरह, तो मुझे देखनी ही देखनी है, तो मैं कल्ला जाके देखूं पर देखूंगा। सो अभी रात का ही शो है शायद 10 बजे का, तो वही देखना पड़ेगा पर मैं देखूंगा। तो मैं खाना खा लेता हूँ फिर आपको अपडेट करते हैं। और हाँ लैब्रा के बच्चे देखते हैं कि मैं लेऊंगा या नहीं लेऊंगा, बाकी आप लोग बताओ कि हम रखे या नहीं रखे लैब्रा। ठीक है सो चलो चलते हैं। वहां मानु डोन आ गया है ये। अब मारेगा, अब कैमरा ऑन हो गया, अब मारेगा। अभी तक मैंने अच्छे से मिल प्यार से मिल रहा था अभी तक। अरे ये देखो थरो, ये देख मारना नहीं थरो, मारना नहीं यार। नहीं बस 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 वो मूवी देखने जा रहे हैं कश्मीर फाइल्स। अभी मानू पहुंची है 10 बजे और 10:40 का शो है रात को। मानू खाना खा ले और चलते हैं भाई। तीनों भाई बहन पहुंच गए हैं, चारों मतलब चारों मेरी। तो क्या देखना है ये भाई? कश्मीर फाइल्स। तो भाई देखते हैं और फिर बताएंगे तो हम भी देंगे रिव्यू हमारा। सो दोस्तों आज डे सेकंड है। मैं इस फिल्म के बारे में उसी कल की रात को भी बता सकता था, पर मैं सोचा नहीं यार कल नहीं, मैं अब बताऊंगा सुबह सुबह। बाकी आप लोगों ने तो उससे अगली क्लिप देखी है। सो दोस्तों वो फिल्म जो है ना, वो देखो बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि वो फिल्म कैसी है द कश्मीर फाइल्स। मैं तो जैसे एक बात कहूँगा कि आप भी ज़रूर देखो एक बार और आपको रियलिटी का पता चलेगा। बाकी मुझे देखो जो उनके साथ बीती तो बीती, वो किसी भी हद तक सही नहीं कह सकते, पर वो बहुत गलत बीती उनके साथ। बट भाई कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं किस सोसाइटी में रहता हूँ, आसपास के लोग, मैं नहीं आप सब लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हो जिस सोसाइटी में मूवी के अंदर किसी की डेथ हो रही है या किसी के रेप हो रहा है और ऐसे गंदे लोग ऑडियंस में बैठ के उस पर हंस रहे हैं, ऐसे लोग मैंने कल देखे जी।
तो बस अब मैं इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। तो मुझे एक बात पता चल गया कि मेरी सोसाइटी का फेस मुझे दिख गया, जो मुझे पहले भी पता था, ऐसी बात नहीं कि मुझे पहले नहीं पता था, बट कल तो रियलिटी का पता चल गया ऐसे ऐसे लोग कि भाई एंड अच्छा नहीं हुआ यार। वो कोई मूवी नहीं थी यार, वो एक रियलिटी दिखाई गई थी, वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, वो कोई एक सच को आगे बाहर लेके आए थे। तो भाई अगर उनमें से कोई ऐसा बंदा जो ये चीज़ें कर रहा था आज व्लॉग देख रहा हो, तो भाई थोड़ी सी तमीज़, थोड़ा सा मन में अगले बंदे के लिए रिस्पेक्ट होने चाहिए। चलो भाई, इससे आगे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखानी थी व्लॉग में, बट मैं नहीं दिखा रहा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो वीडियो को लाइक कर देना भाई, मन करे तो, बाकी आप लोगों की मर्जी। सो ओके, बाय बाय।